मैंने 12 साल यूके में बहुत काम किया, मैंने पूरी दुनिया देखी, मैंने ट्रैवल किया, परफॉर्म किया, शो किया पेरिस में, क्रोशिया, जर्मनी, रशिया। मैं रियल म्यूज़िक करती थी, रियल म्यूज़िक माने दिल वाला। लेकिन मैं सबसे पहले उनको बोलूँगी कि जब मैं आई ना इंडिया में, मुझे इंडिया की पब्लिक ने इतना प्यार दिया, मैं बहुत लकी हूँ सच में कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसी ही है, मुझे चेंज नहीं हुआ, पर होना नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बिंदास है, ये पागल है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये लोग तो मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं, तो एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहो। जब हम आप सोचते हो कि जब हम बॉलीवुड गानों में नहीं आ रहे हैं, हम घर पे बैठे हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम दूसरे आर्टिस्ट की मदद कर रहे हैं, किसी को क्रिएट कर रहे हैं, किसी के लिए गाना लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड मैंने कलेबोरेशन की थी दीप मनी के साथ, क्योंकि मैं इनको मिली थी किसी और वीडियो शूट पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लड़का देख लगा है इसको ना, मुझे करना है, कुछ करना है, क्योंकि इनका गाना आया था डोप शो फनी सिंह के साथ बहुत पहले। तो उसके बाद ये चाहते थे कि मैं और काम करूँ, तो मैंने देख लड़का लगा है सही है, इसकी तो मदद करनी चाहिए। सब बोलते हैं ना हार्ड को हमारे साथ गाना करो, भाई गाना सुनना पसंद नहीं आया तो कैसे करोगे। तो इन्होंने मुझे 2-3 गाने भेजा, मेरे को रांझा का बीट बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ मैं तो करूँगी, नो प्रॉब्लम, वीडियो भी बनाएंगे सब कुछ, क्योंकि एक और आर्टिस्ट की हेल्प हो जाती है। हम म्यूज़िक वाले हैं, हमको म्यूज़िक से प्यार है, हम सारा दिन स्टूडियो में बैठे म्यूज़िक बनाए, हमको मज़ा आता है। लेकिन अगर मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे उस कैरेक्टर को जस्टिस करना चाहिए, अच्छा निभाना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं एक्टिंग माइंड नहीं करती, मैं लाइक करूँगी, वैसे भी मैं बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई रोल करना है तो अच्छी तरह निभाना है। पटियाला हाउस में मैं अक्की पाजी अलव अक्षय कुमार, उन्होंने जब भी मेरी लाइफ में आए हैं बहुत गुड लग रहा है, सिंग इज किंग, उससे पहले पटियाला हाउस, अभी रिसेंटली यू नो मैंने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया, तो आशिक मिजाज जो शोकिंग में आया था। तो अक्षय पाजी आई थिंक जब भी मेरी लाइफ में आते हैं कुछ अच्छा ही होता है। मैं हार्डकोर मैम से मिला था एक शूट पे उनके, तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ, मैं उनका फ़ैन था बहुत बड़ा, आई वाज सो एक्साइटेड। बेशक मेरे गाने आ चुके हैं, मेरे को लोग जानते हैं, पर उनसे मिलने के बाद मेरी ड्रीम थी कि आई वॉन्ट टू कलेबरेट विद दिस लेडी, शी इज सो गुड, शी इज डूइंग सुपर्बली फाइन इन बॉलीवुड, इन लाइक इंटरनेशनल मार्केट, लाइक एक गिलासी दो गिलासी से। तो मैं डरता डरता उनसे मिला, तो मैंने कहा मैम आई एम हैविंग सम बीट्स विद मी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ एक ट्रैक करेंगे। तो शी लुक मी, कहते हाँ मैं तेरे को जानती हूँ, दो शब्द तूने गाया हुआ है, चल सुना। पहला मां तेरी तकिया नी, फिर सानू तेरे परावा फड़िया, कोई सुका ना छड़िया, मैं हर तेरे आशिक दे नाल लड़िया, तू डरना कुड़िए नी, तू डरना कुड़िए नी, आपे रब करू रखवाली, ना तेरा रांझा हथ आवे, ना हथ आवे गड्डी काली, स्पीड ते चलावे टॉम फोर्ड शेड्स, मैं बैठी पैसेंजर सीट ते विद अ बॉटल ऑफ एस ऑफ स्पेड्स, एंड आई एंट गोइंग नोवेयर टिल माय रांझा सेज, मैं ओदी रानी वो मेरा बॉस, ओनली उसके होठों पे है मेरा लिप ग्लॉस, आई डोंट नीड योर मनी, तेरा दिल सो बिग, वन हैंड ऑन द ट्रिगर, वन हैंड ऑन माय, यू नो।